I.NI.India का जो फुल फॉर्म बनाया है, ये पूरी तरह ये नकली राष्ट्रवाद दिखाने का प्रयास है। मेरा नाम अभिजीत है, आप न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं। देश भर में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, पहले चरण की मतदान संपन्न हो चुकी है। यदि बिहार की बात करें तो बिहार में 40 लोकसभा सीट है, हालांकि 4 लोकसभा सीटों पर बिहार में मतदान हो चुके हैं। दूसरे चरण की मतदान 26 अप्रैल को होनी है। इससे पहले बिहार बीजेपी की तरफ से एक आरोप पत्र जारी किया गया है। आपको बता दें, बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा महागठबंधन पर एक आरोप पत्र जारी किया गया है। इस आरोप पत्र में महागठबंधन पर कई बड़े आरोप लगाए गए हैं। इसमें भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य पर महागठबंधन पर आरोप लगाए गए। इसके साथ ही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव पर बड़े हमले बोले हैं। उन्होंने कहा, इंडिया गठबंधन जो नाम दिया गया है, यह नकली राष्ट्रवाद का दिखावा है। उन्होंने लालू प्रसाद यादव पर भ्रष्टाचार और परिवारवाद के बड़े आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही उन्होंने महागठबंधन में वाम दल पे बिना नाम लिए उन्होंने कहा कि ये महागठबंधन जो है वो भारत के परमाणु हथियार को नष्ट करना चाहती है। इसके साथ ही बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव पे रोजगार के मुद्दों पे उन्हें भी घेरा है। उन्होंने कहा कि जब बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव थे, तब वो जिस जिस मंत्रालय में मंत्री रहे उसमें कितने रोजगार जो है वो सृजन किए गए। इन तमाम मुद्दों पे जो है सम्राट चौधरी महागठबंधन को घेरते नजर आए। क्या कुछ कह रहे थे सम्राट चौधरी, आप सुने इस वीडियो में। I.NI.India का जो फुल फॉर्म बनाया है, ये पूरी तरह ये नकली राष्ट्रवाद दिखाने का प्रयास है। और ये लोग भारत को श्रेष्ठ करने के लिए नहीं बैठे, ये भारत को तोड़ने वाले संगठन के लोग हैं। और आपने देखा होगा कि कई संगठनों ने अपने बयान जब घोषणा पत्र जारी किया, उसमें स्पष्ट हो गया, कुछ लाल झंडे के लोगों ने तो यहां तक कहा कि जो परमाणु हथियार हमारे पास है, जब हमारी सरकार बनेगी तो हम इसको समुद्र में डाल देंगे। आप सोचिए, भारत को कमजोर करने वाले, महागठबंधन बनाने वाले, और पूरा देश जानता है कि कांग्रेस पार्टी ने 55 साल इस देश में राज किया, कैसे कोयला का घोटाला हुआ, 2G का घोटाला हुआ, और कांग्रेस पार्टी के जीजाजी का भी घोटाला हुआ, पूरे देश ने देखा। राष्ट्रीय जनता दल बिहार में सरकार में रही तो कभी चारा खाने का काम किया, कभी हलकतरा पीने का काम किया, और आज तो सिर्फ और सिर्फ परिवार के लिए लालू प्रसाद जी का जीवन ही समर्पित है। कोई बिहार के कल्याण के लिए कोई काम लालू प्रसाद जी ने लंबे समय तक बिहार की राजनीति में काम किया, लेकिन कभी गरीबों का चिंता नहीं किया। और बिहार में घोटाला का सृज बन गया कि मुख्यमंत्री रहते हुए वो चारा के आरोप में आरोप सिद्ध हुआ, उनको सजा हुआ, और राहुल गांधी की कृपा से जब ऑर्डिनेंस फाड़े गए तो आज लालू जी मुखिया भी नहीं बन सकते। एनडीए के साथियों ने तो जो प्रमाण दिया उससे स्पष्ट था कि लालू जी ने भ्रष्टाचार और घोटाला किया। तो आज स्पष्ट है कि ये पूरी तरह ठगबंधन के पूरे डिटेल में हम लोगों ने जो कांग्रेस के पाप है इसको बताने का काम किया है। चाहे वो आपको याद होगा कि 83-84 में जो दंगे हुए इस देश में, दंगे में पूरी तरह कांग्रेस का हाथ रहा। बिहार में भागलपुर का दंगा हुआ, उसमें कांग्रेस पार्टी का हाथ रहा। जबकि एनडीए की सरकार बनी तो दंगे में जो लोग थे उनको सजा भी देने का काम किया गया और उनको मुआवजा भी देने का काम किया, जिस
जिन लोगों के ऊपर एक तरह से अत्याचार हुआ। तो साथियों एकदम स्पष्ट है ये राजद की लूट और भ्रष्टाचार ये पूरी तरह एक एक देश की जनता जान रही है और सब समझ चुके हैं। इस भारत में एक ऐसे प्रधानमंत्री आज हमको मिले हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, भारत भी श्रेष्ठ हो रहा है और प्रदेशों की सरकार को भी श्रेष्ठ बनाने का काम किया जा रहा है। और आप लोगों ने देखा कि 2004 से लेकर 14 तक जब बिहार में सरकार और देश में सरकार चल रही थी तो बिहार जैसे राज्य को 13 फाइनेंस में जितनी राशि मिली मात्र 7,000 करोड़ रुपया। और उसके बाद जब एनडीए की सरकार बनी तो आप समझ सकते हैं कि आज बजट का लगभग 80% राशि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने का काम। 2,78,000 करोड़ का बजट है बिहार का, जिसमें लगभग 2,00,000 करोड़ रुपया भारत की सरकार सहायता करती है, असिस्टेंट देती है, टैक्सों से आता है। आप सोचिए कि बिहार जैसे प्रदेश को विकसित बनाने में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। लेकिन कांग्रेस पार्टी एक तो परिवारवाद में विश्वास करती है, दूसरा जो राष्ट्रीय जनता दल उनके गठबंधन के लोग हैं वो पूर्ण रूप से सिर्फ एक परिवार के प्रति ही पूरा जीवन है, कोई दूसरा कुछ नहीं। इसलिए आज इस पूरे एक पूरा ब्रीफ आपको उपलब्ध कराया गया है कि ठगबंधन के लोग पूरी तरह भारत को लूटने का काम करेंगे, नौजवानों को ठगने का काम करेंगे और नौजवानों को यह दिखाया जा रहा है कि हमने ही काम किया है। ने सुना सम्राट चौधरी ने किस तरीके से महागठबंधन पे आक्रामक दिखे, उन्होंने कई सारे भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के मुद्दों पे महागठबंधन और इंडिया गठबंधन को घेरते नजर आया है। तमाम खबरों के लिए न्यूज़ 4 नेशन को देखते रहे। न्यूज़ 4 नेशन के लिए अभिजीत पटना।